हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक न्यू टॉपिक, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन में इंजरी हो जाती है तो उसमें रिहेबिलिटेशन कैसे करवाते हैं। तो अगर सबसे पहले हम टर्म रिहेबिलिटेशन की बात करें तो टर्म रिहेबिलिटेशन टू वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है री मीन्स अगेन एंड हैबिटेट मीन्स होता है मेक फिट। रिहेबिलिटेशन इज द रिस्टोरेशन ऑफ ऑप्टिमल फॉर्म मीन्स एनाटॉमी एंड फंक्शन मीन्स फिजियोलॉजी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं रिहेबिलिटेशन इज द रिस्टोरेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, या ये बोल सकते हैं रिहेबिलिटेशन इज द रिस्टोरेशन ऑफ ऑप्टिमल फॉर्म एंड फंक्शन। इट इज अ प्रोसेस डिजाइन टू मिनिमाइज द लॉस एसोसिएटेड विद द एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज। इस प्रोसेस में हम जो है जो एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज से एसोसिएटेड लॉस हुआ है उसको हम रीस्टोर करते हैं, मिनिमाइज करते हैं टू प्रमोट रिकवरी, और रिकवरी को प्रमोट करते हैं साथ ही साथ, एंड टू मैक्सिमाइज फंक्शनल कैपेसिटी फिटनेस एंड परफॉर्मेंस। मीन्स फंक्शनल कैपेसिटी को, फिटनेस को, परफॉर्मेंस जो है इसको मैक्सिमाइज कितना कर सकते हैं वो भी रिहेबिलिटेशन के द्वारा करते हैं। अब द टिश्यू, जो टिश्यू में इंजरी होती है, टिश्यू इंजरी फ्रॉम स्पोर्ट्स कैन क्लासिफाइड एज टू टाइप्स की इंजरी होती है। एक तो मैक्रो ट्रामेटिक इंजरी, दूसरा माइक्रो ट्रामेटिक इंजरी। मैक्रो ट्रामेटिक इंजरी यूजली ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स, एंड माइक्रो ट्रामेटिक इंजरी आर क्रॉनिक आर ओवर यूज की वजह से या क्रॉनिक डिजीज की वजह से हो जाती है। अब बात करते हैं रिहेबिलिटेशन प्लान की। यहाँ हम स्पोर्ट्स इंजरी की बात नहीं कर रहे हैं, उसका रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो रिहेबिलिटेशन प्लान जो है बनाएंगे तो उसमें किस किस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहले रिहेबिलिटेशन का गोल क्या होना चाहिए, तो गोल जो हमारा होगा लिमिट द एक्सटेंट ऑफ इंजरी, मीन्स इंजरी जितनी हुई है उतनी है, उससे ज़्यादा बढ़े ना, उसको लिमिट करना। रिड्यूस आर रिवर्स द इम्पेयरमेंट, जो इम्पेयरमेंट हो गया है उसको हम या तो मीन्स रिवर्स कर दें, सही कर दें, या फिर रिड्यूस करें। साथ ही साथ फंक्शनल लॉस जो है उसको भी हमें रिड्यूस करना है। साथ ही साथ प्रिवेंट, जो यहाँ था लिमिट द एक्सटेंट ऑफ इंजरी वही चीज़ है। साथ ही साथ करेक्ट आर एलिमिनेट द डिसेबिलिटी को करेक्ट करेंगे या ख़त्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अब साथ ही साथ जो हमारा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन है, तो कोई भी रिहेबिलिटेशन होता है उसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत होती है। जब एक पूरी टीम मिलकर काम करती है तभी रिहेबिलिटेशन पूरी तरह से हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। तो द रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंजर्ड एथलीट्स इज मैनेज्ड बाई अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। इस टीम में कौन कौन से लोग होते हैं, तो इस टीम में सबसे पहले स्पोर्ट्स फिजिशियन, फिजियाट्रिस्ट, आर्थोपेडिक्स, फिजियोथेरेपिस्ट, रिहेबिलिटेशन वर्कर्स, फिजिकल एजुकेटर, कोच, एथलीट ट्रेनर, साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट, इतने सारे लोग जो है होते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल क्या है रिहेबिलिटेशन का, तो जो है इसके सेवन प्रिंसिपल हैं। सेवन प्रिंसिपल ऑफ रिहेबिलिटेशन व्हिच कैन बी रिकमेंडेड बाई। पहला क्या है, अवॉइड एग्रीवेशन, जो एग्रीवेशन है उसको अवॉइड करना है। टाइमिंग का ध्यान रखना है, कंप्लायंसेस का ध्यान रखना है, इंडिविजुअलाइजेशन देखना है, साथ ही साथ स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग का ध्यान रखना है। मीन्स रिहेबिलिटेशन के दौरान कि किस सीक्वेंस में हमें रिहेबिलिटेशन करवाना है, साथ ही साथ इंटेंसिटी और रिपीटेशन का, कि ज़्यादा इंटेंसिटी ना हो और रिपीटेशन का भी ध्यान रखना है, और टोटल पेशेंट का भी ध्यान रखना है कि कितने हैं। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब टोटल पेशेंट मतलब होल पेशेंट का, कंप्लीट पेशेंट का ध्यान रखना है, पेशेंट की होल बॉडी का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं रिहेबिलिटेशन में। तो पहला पेन मैनेजमेंट। अब पेन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मेडिकेशंस जो है बेसिक ट्रीटमेंट है इंजर्ड एथलीट से, ये कोई इंजर्ड पर्सन है तो मेडिकेशंस तो बेसिक चीज़ है, बोथ फॉर द पेन रिलीफ एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए। साथ ही साथ थेरापूटिक मॉडलिटीज का हम कुछ यूज करते हैं, जो कि स्मॉल हैं बट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्पोर्ट इंजरी के रिहेबिलिटेशन में। साथ ही साथ दे मे हेल्प टू डिक्रीज पेन, ये जो मॉडलिटीज हैं पेन को डिक्रीज करने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ एडिमा टू अलाउ, और एडिमा को डिक्रीज करती हैं। साथ ही साथ टू अलाउ एक्सरसाइज बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम टू प्रोसीड, और जब हमारा पेन रिड्यूस हो जाएगा, एडिमा कम हो जाएगा, तो एक्सरसाइज से जो रिहेबिलिटेशन हो सकता है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो
उसे भी ये अलाउ करती हैं। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज डिक्रीज इन रेंज ऑफ मोशन। अगर रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो रहा है तो जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं इंक्रीज होगी तब तक रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज नहीं हो सकती, तो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करना होता है। साथ ही साथ आल्सो अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेचिंग टेक्निक भी हम यूज करते हैं रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे PNF स्ट्रेचिंग, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, ये सारे जो स्ट्रेचिंग है उनका भी हम यूज करते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए इंजरी टू द मस्कुलर स्केल्टन सिस्टम कुड रिजल्ट इन स्केल्टन मसल हाइपोट्रॉफी हो जाएगा। अगर मस्कुलर स्केल्टन सिस्टम में इंजरी हुई है तो जो मसल्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, हाइपोट्रॉफी एंड वीकनेस, लॉस ऑफ एरोबिक कैपेसिटी एंड फटीगेबिलिटी। मीन्स इंजरी के दौरान क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एरोबिक कैपेसिटी लॉस हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, वीकनेस आ गई है, हाइपोट्रॉफी हो गया है और फटीगेबिलिटी हो गई, मसल फटीग भी हो गई है। ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन आफ्टर आई स्पोर्ट इंजरी इट इज इम्पॉर्टेंट टू ट्राई मेंटेन कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। इसीलिए जब हम रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को मेंटेन रखते हैं, दस इसके लिए रेगुलर बाइसिकलिंग, वन लेग बाइसिकलिंग और आर्म साइकिलिंग ये हम कर सकते हैं। तो जनरल मेजर मसल्स एक्सरसाइज प्रोग्राम विद रिलेटिवली हाई इंटेंसिटी एंड शॉर्ट रेस्ट पीरियड कैन बी मेजर इम्पॉर्टेंट होते हैं अगर कोई स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस हमें इंक्रीज करना है किसी पर्सन का। तो यहाँ एथलीट्स की बात हो रही है, तो अगर एथलीट्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को इंक्रीज करना है तो इसमें हाई इंटेंसिटी और शॉर्ट रेस्ट पीरियड की एक्सरसाइज जो है हम करवाएंगे स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए। अब अगर हम बात करें प्रोप्रियोसेप्शन और कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो प्रोप्रियोसेप्शन आ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंसिटिविटी दैट इन्फॉर्म अबाउट द सेंसेशन ऑफ डीप ऑर्गन एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मसल एंड जॉइंट। देखो प्रोप्रियोसेप्शन का मीन्स होता है कि डीप ऑर्गन का सेंसेशन और मसल्स और जॉइंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन है नहीं है, तो वो प्रोप्रियोसेप्शन होता है। प्रोप्रियोसेप्शन मीन्स री एजुकेशन हैज टू गेट द मस्कुलर रिसेप्टर वर्किंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ रैपिड मोटर रिस्पॉन्स। इसमें है कि प्रोप्रियोसेप्शन में जो हमारे मस्कुलर रिसेप्टर्स होते हैं वो एक ऑर्डर में एक कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ऑर्डर में कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे तो मोटर रिस्पॉन्स जो है बहुत रैपिडली मिलेगा, तो ये प्रोप्रियोसेप्शन होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, द कैपेसिटी टू परफॉर्म मूवमेंट इन स्मूथ प्रिसाइज एंड कंट्रोल्ड मैनर। मीन्स जब कोई मूवमेंट जो है स्मूथ हो, प्रिसाइज हो और कंट्रोल मैनर में हो तो वो कोऑर्डिनेशन होता है। रिहेबिलिटेशन टेक्निक इंक्रीजिंगली रेफर टू न्यूरो मस्कुलर री एजुकेशन, और जो रिहेबिलिटेशन टेक्निक है उससे जो है न्यूरो मस्कुलर री एजुकेशन को इंक्रीज करती है। साथ ही साथ फंक्शनल रिहेबिलिटेशन, इसका क्या गोल होता है, द रिटर्न ऑफ एथलीट टू ऑप्टिमल एथलीट टू ऑप्टिमम एथलेटिक फंक्शन। मीन्स ऑप्टिमम टू से ऑप्टिमम जो एथलीट्स है उसका जो है जल्दी से जल्दी उसका जो एथलेटिक कैपेसिटी मीन्स खेलने की जो कैपेसिटी है वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, ये फंक्शनल रिहेबिलिटेशन में हम ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से आर्थोटिक्स यूज कर सकते हैं। द यूज ऑफ आर्थोटिक्स डिवाइस टू सपोर्ट मस्कुलोस्केलेटन फंक्शन, जो मस्कुलोस्केलेटन फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए, एंड करेक्शन ऑफ मसल इम्बैलेंस, मसल को इम्बैलेंस मसल का जो इम्बैलेंस है उसके करेक्शन के लिए, साथ ही साथ मस्कुलोस्केलेटन के फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए, एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी इन इंजर्ड एरिया शुड रिसीव द अटेंशन द रिहेबिलिटेशन टीम। तो ये इस पर रिहेबिलिटेशन टीम पूरी वर्क करती है और एक आर्थोटिक्स देती है स्पोर्ट्स पर्सन को, जिससे वो किसमें किसमें हेल्प करेगा, मस्कुलोस्केलेटन का जो फंक्शन है उसमें जो मसल का इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करने में हेल्प करेगा, जिस एरिया में अनइंजर्ड एरिया है उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, मींस फ्लेक्सिबिलिटी उसमें बनी रहे, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ इंजरी, इंजरी जब होती है तो साइकोलॉजी भी बिगड़ जाती है। कहीं भी देखो चोट लगती है, कोई दिक्कत होती है तो हमारा पूरा अटेंशन वहीं पर रहता है, तो उसके लिए क्या होता है, मेंटल स्किल स्पोर्ट्स आर ऑफन बिल्ड अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड समथिंग दैट कैन नॉट बी थॉट। तो क्या होता है कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी होती है, तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है
तो उसमें अगर इंजरी हुई है तो उसका वो और कुछ नहीं सोचेगा, बस वहीं पर दिमाग रहेगा कि जो है हमें इंजरी हुई है। तो इसको उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट मेडिसिन फिजिशियन टू असिस्ट पेशेंट इन सेटिंग गोल रिलेटेड टू परफॉर्म प्रोसेस रेदर देन आउटकम। मीन्स इसमें क्या है कि जो फिजिशियन है मेडिसिन के, उनको पेशेंट को असिस करना है कि वो गोल रिलेटेड परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि आउटकम पर ज़्यादा ध्यान दें। और सच एज रिटर्निंग टू डे और डे टू डे जो है, मतलब रिटर्निंग टू प्ले और प्ले पर आराम से चले जाएं, मतलब इस पर ध्यान ना दें कि वो ठीक हुए कि नहीं। हाँ, वो गोल पर ध्यान दें तो उस पर जो है तो उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर पूरा ध्यान रहेगा कि मान लीजिए उनकी नी में इंजरी हो गई है और पूरा ट्रीटमेंट हो गया फिर भी उनको लग रहा है पेन हो रहा है, तो अगर नी पर ही पूरा फोकस रहेगा तो उनको लगेगा कि पेन हो रहा है। पर अगर उनका स्पोर्ट्स में ध्यान है तो अगर हल्का फुल्का पेन भी है तो भी ध्यान नहीं रहेगा, तो उनको रिटर्निंग टू प्ले मीन्स प्ले में जाना चाहिए, खेलने के लिए जाना चाहिए। ये चीज़ है। अब कहते हैं स्टेज क्या क्या होती है रिहेबिलिटेशन की, स्टेजेस की अगर बात करें तो स्टेज वन में क्या करते हैं, प्रोटेक्शन, मोबिलाइजेशन, वॉकिंग, ये चीज़ करवाते हैं। ये कब करवाएंगे? अगर पेन है, स्वेलिंग है, इफ्यूजन है तो करवाएंगे। अगर नो पेन, नो स्वेलिंग, नो इफ्यूजन है, फुल रेंज ऑफ मोशन है तो स्टेज टू में भेजेंगे। इसमें ओपन और क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज देखेंगे, प्रोप्रियोसेप्टिक देखेंगे, रनिंग वगैरह देखेंगे। अगर इस कंडीशन में पेन, स्वेलिंग, इफ्यूजन ये सब दिख रहा है तो फिर स्टेज वन में भेजेंगे। अदरवाइज स्टेज अगर ऐसा कुछ नहीं, नो पेन, नो स्वेलिंग, नो इफ्यूजन, रिकवरी ऑफ स्ट्रेंथ स्टेट हो रही है तो स्टेज थ्री में भेज देंगे। स्पोर्ट स्पेसिफिक ड्रिल रिकंडीशनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। अगर इसमें भी पेन, स्वेलिंग, इफ्यूजन आता है तो फिर स्टेज वन और टू में भेजेंगे। अदरवाइज अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर स्टेज फोर में भेजेंगे। तो मेंटेनेंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ री इंजरी ये करेंगे, और इससे भी अगर कोई दिक्कत फिर नहीं आ रही है तो फिर कंप्लीट फंक्शनल रिकवरी हो जाती है। तो ये स्टेजेज हैं। अब हम बात करते हैं इनिशियल स्टेज ऑफ रिहेबिलिटेशन, स्टार्टिंग कैसे करते हैं। दिस फेज लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 days, 4 to 6 days तक चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। गोल इसमें क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज को लिमिट करना है या लिमिट द एक्सटेंट ऑफ इंजरी, ऐसे पेन रिलीफ करना है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्डेंट इंजरी, साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ अफेक्टेड एनाटॉमिकल एरिया को प्रोटेक्ट करके रखना। अब कंट्रोल प्लान पेन एंड स्वेलिंग, सॉरी कंट्रोल पेन एंड स्वेलिंग, पेन के लिए क्या करेंगे, 24 to 48 hours आफ्टर मेनी मसल स्ट्रेन, लिगामेंट स्प्रेन और अदर ब्रूइस इंजरी अगर ऐसी होती है तो वहाँ पर राइस देते हैं। मीन्स राइस में क्या करेंगे, राइस ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन देते हैं। तो कब 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 देंगे, 24 to 48 hours तक। अब क्या हुआ है, मसल स्ट्रेन हुआ है, लिगामेंट स्प्रेन हुआ है या अदर ब्रूइस या इंजरी हुई। तो थेराप्यूटिक मॉडलिटीज एंड मेडिकेशंस आर यूज्ड टू क्रिएट एन ऑप्टिमल इन्वायरमेंट फॉर इंजरी रिपेयर बाय लिमिटिंग द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस एंड ब्रेकिंग द पेन स्पॉन्ज साइकिल। और जो थेराप्यूटिक मॉडलिटीज का यूज करते हैं, मेडिकेशंस का यूज करते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं कि रिपेयर, इंजरी की रिपेयर जो है वो थोड़ा जल्दी हो और जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, इन्फ्लामेशन जो हो रहा है वो रुक जाए, कम हो, और साथ ही साथ जो मसल स्पाज्म में पेन स्पाज्म की जो साइकिल है उसको ब्रेक करना है, मींस पेन भी रिड्यूस हो। साथ ही साथ द पावर, स्ट्रेंथ एंड इंड्यूरेंस ऑफ मस्कुलोस्केलेटल टिश्यूज एंड फंक्शन ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम मस्ट बी मेंटेन। और इससे क्या होगा, अगर पेन कम हो जाएगा, इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, रिपेयर की प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी, तो पावर, स्ट्रेंथ, इंड्यूरेंस जो है मस्कुलोस्केलेटन टिश्यूज का ये इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या कार्डियो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो भी मेंटेन रहेगा। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो है परफॉर्म करवाते हैं वंस कंट्रोल, व्हाइल पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज अकर्स व्हेन पर्सन आर डिवाइस प्रोड्यूस द मूवमेंट। तो ये कह रहे हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की यहाँ डिफिनेशन बता दी गई है, अगर पेशेंट या एथलीट्स खुद से करता है तो एक्टिव, और अगर कोई पर्सन करवाता है किसी डिवाइस की हेल्प से करते हैं तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है। साथ ही साथ आइसोलेटेड एक्सरसाइज दैट टारगेटेड एरिया प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टू द इंजर्ड एरिया मे बी परमिसिबल प्रोवाइडेड दैट डोंट डिस्ट्रेस द इंजर्ड एरिया। और ये कह रहे हैं मीन्स
इनका कहने का मतलब है कि जो जहाँ पर इंजर्ड एरिया है उसके या तो प्रैगमल या डिजिटल जो है आइसोलेटेड एक्सरसाइज परफॉर्म करें, ना कि इंजर्ड एरिया पर स्ट्रेस डालें। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आर यूज फॉर स्ट्रेंथनिंग, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है स्ट्रेंथनिंग पर्पज के लिए करवाएंगे व्हेन रेंज ऑफ मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड आर नीड टू बी अवॉइड ड्यू टू फ्रैक्चर आर एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे जो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाएंगे। साथ ही साथ आइसोटोनिक स्ट्रेंथनिंग कैन बिगिन विद द पेनलेस आर्क ऑफ द जॉइंट मोशन, और जब पेनलेस हो जाएगा तो उस टाइम पर हम जो है आइसोटोनिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। और आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कब करवाएंगे, जब कोई रिस्ट्रिक्टेड है एरिया है जहाँ पर फ्रैक्चर की वजह से अवॉइड करना है तो उस जगह पर हम करवा सकते हैं, इन्फ्लामेशन जॉइंट का है तो उस टाइम पर। अब कह रहे हैं देखिए बेस लाइन है, यहाँ से इन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो यहाँ तक फटीग आया, उसके बाद स्लोप नीचे जा रहा है मीन्स रिकवरी, फटीग रिकवरी फटीग रिकवरी, और बहुत तेज़ी से अगर करेंगे तो ओवर स्ट्रेन या इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो ये कि साइकिल है, मैनर है, मीन्स ऐसे ये होता रहता है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएटेड स्टेज ऑफ रिहेबिलिटेशन, वो तो इनिशियल था, अब इंटरमीडिएट में मीन्स 5 डेज टू 8 टू 10 वीक्स तक। तो इसमें जॉइंट रेंज ऑफ मोशन मसल कंडीशनिंग का ध्यान रखते हैं, जिसमें जो है इसका गोल क्या होता है लिमिटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट एंड रिकवरी फ्रॉम द फंक्शनल लॉस। साथ ही साथ अर्ली प्रोटेक्टेड मोशन हैस्टेंस द ऑप्टिमल अलाइनमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर एंड प्रमोट इम्प्रूव्ड टिश्यू मोबिलिटी। तो इसमें क्या करते हैं जो मतलब इम्पेयरमेंट हो रहा है उसे लिमिटेशन करना है, रिकवरी को इनक्रीज करना है, फंक्शनल लॉस को कम करना है। साथ ही साथ जो है जो कोलेजन फाइबर जो है डैमेज हुए थे उनको जो है रिकवर करना है उनके, और साथ ही साथ जो है मोबिलिटी को जो है इम्प्रूव करना है, प्रमोट करना है, मोबिलिटी इनक्रीज हो जाए। फिजिकल मॉडलिटीज आर यूज टू इन्हेंस टिश्यू हीलिंग, टिश्यू हीलिंग को इन्हेंस करने के लिए जो फिजिकल मॉडलिटीज का यूज करेंगे लाइक अल्ट्रासाउंड वगैरह। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द अन इंजर्ड एक्सट्रीमिटी एंड आर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टू द इंजर्ड एक्सट्रीमिटी, मीन्स जो अन इंजर्ड एक्सट्रीमिटीज है एक्सट्रीमिटीज है उसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, और जो इंजर्ड एक्सट्रीमिटीज है उसके प्रैगमल और डिस्टल पार्ट में करवाएंगे। एरोबिक एंड एनएरोबिक एक्सरसाइज करवाएंगे, साथ ही साथ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ एंड न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल फॉर द इन्वॉल्व एरिया। इसके लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में भी परफॉर्म्ड प्रोवाइड दैट इट इज पेन फ्री एंड अदरवाइज इंडिकेटेड, मतलब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाएंगे। सब मैक्सिमल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज अलाउ द एथलीट टू मेंटेन न्यूरो मस्कुलर फंक्शन एंड इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट। जो सब मैक्सिमल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है उससे हम स्ट्रेंथ विद मूवमेंट के साथ इंक्रीज कर सकते हैं, न्यूरो मस्कुलर फंक्शन भी मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही साथ आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कैन बी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग, ये जो है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज भी स्ट्रेंथनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज यूज इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू मूवमेंट एट अ गिवन स्पीड, मीन्स इसमें जो है इक्विपमेंट का यूज होता है जो कि एक डिस्टेंस होती है वहाँ तक, वहाँ मतलब वो रेजिस्टेंस अप्लाई करता है और उसके अगेंस्ट में मूवमेंट करना होता है। तो ये आइसोकाइनेटिक है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व मूवमेंट विद कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है जिसके मूवमेंट करना होता है एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रेजिस्टेंस वेरीज डिपेंडिंग अपॉन परमेबिलिटी ऑन जॉइंट एंगल एंड द लेंथ ऑफ ईच एगोनिस्ट मसल। इसके बेसिस पर हमें फोर्स की जरूरत होती है लगाने की। स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज एग्जिस्ट इम्प्रूव न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल फॉलोइंग इंजरी एंड कैन बी मैन्युपुलेट थ्रू अल्टरेशन इन सरफेस स्टेबिलिटी विजन एंड स्पीड, इस पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं एडवांस स्टेज ऑफ रिहेबिलिटेशन की, एडवांस स्टेज क्या होती है। तो दिस फेज बिगिन एट अराउंड 21 डेज टू 6 टू 12 मंथ की होती है। इसमें गोल क्या होता है टू स्पोर्ट रिटर्न टू स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, जो कंपटीशन है ट्रेनिंग है उसके लिए रिटर्न करना, फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए देना, साथ ही साथ जॉइंट एंगल स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज देना, बेलास्टी स्पेसिफिक मसल एक्टिविटीज जो है करवाना, क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइज जो है करवाते हैं, एक्सरसाइज डिजाइन टू फर्दर इन्हेंस न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, क्रॉस ट्रेनिंग देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें भी वही चीज़ है। अब ये देखिए बेस लाइन है, एक्सरसाइज स्टार्ट किए देन फिर एक्सरसाइज बढ़ाते गए अडाप्टेशन। तो यहाँ क्या होगा, पेशेंट स्ट्रांगर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे पेशेंट अडाप्ट कर रहा है,
ठीक है, फटीग धीरे धीरे फटीगेबिलिटी कम हो रही है तो एक्सरसाइज कर लो। तो ये देखिए ये वाला क्या है कि इससे पेशेंट स्ट्रांग हो रहा है। उसमें क्या था कि हम पेशेंट को फर्स्ट स्टेज थी, इनिशियल स्टेज थी, इसलिए जो है धीरे धीरे करवाते थे। अब रिटर्न टू स्पोर्ट, स्पोर्ट के लिए जब पेशेंट रिटर्न करेगा तो रिटर्न टू प्ले इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हेन एन इंजरी आर इल एथलीट्स में सेफली रिटर्न टू प्रैक्टिस आर कंपटीशन। तो इससे क्या होगा, मतलब इंजरी के बाद पेशेंट अगर पूरी तरह से रिकवर हो गया है तो मींस कंपटीशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए रिटर्न हो सकता है। स्पोर्ट स्पेसिफिक फंक्शनल रिहेबिलिटेशन शुड बी फोकस्ड ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इंजर्ड एथलीट एबिलिटी टू हैव स्पोर्ट स्पेसिफिक फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स टू इंटरेक्ट ऑप्टिमली विद स्पोर्ट स्पेसिफिक डिमांड। तो इससे क्या होगा, अगर पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो गया, फंक्शनल रिहेबिलिटेशन उसे पूरी तरह से मिल गया है, तो उसकी जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है, वो पूरी तरह से एक साथ होकर काम करेंगे। और जैसे जैसे उसको स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिक डिमांड होगी बॉडी से कि उतनी एनर्जी मिले, वो पूरी तरह से मिलेगी। वंस द एथलीट्स हैज बीन मेडिकली क्लियर टू रिटर्न टू प्ले, एक बार अगर पेशेंट जो है, एथलीट्स जो है मेडिकली ये हो जाए कि हाँ अब आप प्ले के लिए जा सकते हैं, देन सम फंडामेंटल स्टेप बी नीड। तो कुछ फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से, द एथलीट्स हैज टू फुलफिल द फिटनेस स्टैंडर्ड टीम ही इज रिटर्निंग टू गो, मीन्स जो फिटनेस स्टैंडर्ड टीम है वो चेकअप करेगी। साथ ही साथ द एथलीट्स नीड टू पास सम स्किल स्पेसिफिक टेस्ट अप्लाइंग हिज प्लेइंग पोजिशन पर, कुछ टेस्ट होंगे उसकी वो भी पास करना पड़ेगा। साथ ही साथ प्लेयर्स देन बिगिन प्रैक्टिस विद द टीम, देन टीम के साथ प्रैक्टिस कर सकता है। एक्सपोजर टू मैच सिचुएशन शुड बी ग्रेजुअल विद मैच टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज, मीन्स धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, ना कि सडनली। अब मॉनिटरिंग क्या क्या करते हैं, तो मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग एथलीट्स वेल बींग इज इसेंशियल टू गाइड ट्रेनिंग एंड टू डिटेक्ट एनी प्रोग्रेशन टुवार्ड नेगेटिव हेल्थ आउटकम एंड एसोसिएटेड पुअर परफॉर्मेंस, मीन्स जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो मॉनिटर करता है स्पोर्ट्स स्टार्ट होने से पहले और देखता है हर एक एथलीट्स को, क्या देखता है, एक्सटर्नल लोड मेजर करता है, तो पावर आउटपुट मेजरिंग डिवाइस से देखता है पावर कितना है, टाइम मोशन एनालिसिस क्या है, साथ ही साथ इंटरनल लोड यूनिट मेजर करते हैं, हार्ट रेट मेजर करते हैं, ब्लड लैक्टेट ट्रेनिंग इम्पल्सेस देखते हैं, साथ ही साथ अदर मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं जैसे हार्ट रेट रिकवरी, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, बायोकेमिकल, हार्मोनल, इम्यूनोलॉजिकल असेसमेंट, क्वेश्चनेयर एंड डायरीज, इस तरह से साइकोमोटर स्पीड, इतना कुछ नहीं करते पर हाँ बेसिक बेसिक चीज़ें जो है कर लेते हैं, स्लीप क्वालिटी एंड ये सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट स्पोर्ट स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन। थैंक यू, प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।